देख सकते हो भोला ताल में एक्सप्लोर कर चुके हैं और ये है सेकंड ब्लॉक जहाँ पे हम जा रहे हैं टिप इन टॉप जो कि है 1.5 किलोमीटर और यहाँ से हमें लगेगा समय अराउंड 30 मिनट्स का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हो हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, 30 मिनट्स लगेंगे। वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या डिफरेंस है भोला ताल और टिप इन टॉप। सो लेट्स मीट अप देयर और जब तक बीच में अगर रास्ते में कुछ दिखता है तो वो भी दिखाते हुए चलेंगे। सो गाइस ये है व्यू टिप एंड टॉप, तो सर ट्रैकिंग करना पड़ता है समय अराउंड 1.5 किलोमीटर और शायद आप थक भी जाओगे लेकिन जो व्यू है वो वर्थ है इतना आपको ट्रैक करने के लिए। मतलब आप 1.5 किलोमीटर ट्रैक करते हो तो आप व्यू देखने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे लेकिन बीच में ट्रैकिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट, काफ़ी खूबसूरत है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा अपने वर्ड्स में इसको कैसे बताऊँ, बट जो पॉइंट है जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, so, आप मेरे पीछे जो स्पॉट देख रहे हो ये है टिप इन टॉप का स्पॉट। यहाँ पे आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी सुंदर कैफ़े और बैठने के लिए स्पॉट दिखता है, उसमें से एक स्पॉट ये है और सामने आप व्यू देखो। अब चलते हैं हम मेन स्पॉट पे जिसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं और जो कहते हैं ना हाईलाइट लैंस डाउन का वो है ये वाला। अगर आप यहाँ आते हैं टिप इन टॉप तो यहाँ एक स्पॉट है जहाँ से आपको सारा व्यू दिखता है। साथ में अगर आप अपने दोस्तों का नाम यहाँ ढूंढ लें तो शायद किसी फ्रेंड का नाम आपको यहाँ मिल जाए। तो यहाँ आए तो माही एंड मलिक अपना नाम लिख के चले गए, वकील 420 विद उज्मा, साहिल विद उज्मा। तो उज्मा यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप भी उज्मा के आशिक हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उज्मा किस किस के साथ आ चुकी है। हमारे एक मित्र है उनकी गर्लफ्रेंड का नाम भी उज्मा है तो उनको डेडिकेट करूँगा। उज्मा साहिल के साथ भी आ चुकी है और उज्मा वकील के साथ भी आ चुकी है। साथ में देखते हैं सुमेश भाई अकेले आ चुके हैं और फन जोन बाकी नरेला हम हमारे मनी विद मनीषा प्रिया सूरज लेके जाते हैं, ठीक है, छोटा सा पी छोटा सा एस। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो है उज्मा का वकील और साहिल। अब किसका कट रहा है ये तो मिलके पूछना पड़ेगा। एक बार और जूम करके दिखाऊंगा आपको, अरे सब खिलाड़ी हैं चले अगर आपके हिसाब से तो ये सीन सब फुटबॉलर। तो ताबिश से जानते हैं टिप इन टॉप का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट एंड लैंड जोन में आए तो जरूर आए यहाँ पे क्योंकि यहाँ से जो व्यू पॉइंट है वो काफी अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा होप अच्छा लगेगा। हमें लगा है तो फर्स्ट टाइम में, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस राइट? या मेरा भी फर्स्ट है और काफी अच्छा लगा। और ये जो स्पॉट है हाईलाइट है पूरे लैंसडाउन का और इससे पहले हम गए थे भोला ताल लेकिन उससे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ये और काफी सुंदर रहता है शाम में और भी ज्यादा। यहाँ पे हमारे एक मित्र जो काफी खोए हुए हैं, हेलो सैफ भाई के काफी घनिष्ठ मित्र हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। सो आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे? आउट ऑफ 10 7 रैंक करेंगे। 7 आउट ऑफ 10 8 ताबिश तुम एटलीस्ट 7.5 ब्रो 7.5 ना, मेरी तरफ से 8.5 है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा पर्सनली। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप इस जगह को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह कहीं और किसी और ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप हसलिंग।